मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ, कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। लाहौर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की पेशगोई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम आज गर्म और मरतूब रहेगा। पिशावर में मतला साफ, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में मतला जज्वी अबर आलूद, मौसम का मजीद हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे साथ हैं मोहम्मद लुकमान, इस्लामाबाद से समन गुल, पिशावर से काशिफ अजीज और कराची से नाजिश अयाज हमें रिपोर्ट करेंगी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का, जहां पर हमारे साथ मौजूद है नाजिश अयाज। नाजिश, आप बताइएगा कराची में आज कैसा मौसम रहेगा? भाई, कराची में ओवरऑल अगर मौसम की बात की जाए तो आसमान जज़्वी अबर आलूद तो है, लेकिन दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई कर दी गई महकमा मौसमियात से। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से दर्जा हरारत 2 डिग्री जो है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि आप, मैं पिछले दिनों से आपको बता रही हूँ कि 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो अब आज से वो 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा में नमी के तनासब की बात कर लें, 80% हवा में नमी का तनासब है, जबकि हवा की रफ़्तार, समंदरी हवाएं जो है काफ़ी बहाल हो गई हैं, तो हवा की रफ़्तार ऑलमोस्ट 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा कम से कम दर्जा हरारत भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में मौसम तो मुतदिल रहेगा, यानी कि कह सकते हैं आप आसमान अबर आलू है, तो बादलों और सूरज की आँख मचोली तो जारी रहेगी, लेकिन बारिश के इम्कान अब मालूम होते जा रहे हैं। और अब मुमकिन है कि 26 अगस्त के बाद मानसून का एक और स्पेल जो है कराची में जोर आजमाई करने के लिए आ जाए, लेकिन अब मतलब कह सकते हैं एक हफ्ते तक जो है कराची वाले थोड़ा सा गर्म मौसम जो है वो थोड़े से गर्मी की तरफ जाएंगे, और मुमकिन है कि सितंबर में जो है वो फिर एक दफ़ा सितंबर जो है वो सितमगर साबित हो कराची वालों के लिए। जी ठीक है, कराची का मौसम फिलहाल गर्म रहेगा एक हफ्ते तक, और पेशगोई की जा रही है कि 26 अगस्त से बारिशों का नया स्पेल दाखिल होगा। हमारे साथ ही रहिए, नाज़िश अयाज़ लाहौर का रुख करेंगे। मोहम्मद लुकमान, बताइएगा कैसा मौसम है आज लाहौर का, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो बहुत गर्मी थी। जी बिल्कुल, आज भी गर्मी है, आज बड़ा एक ब्राइट मौसम है, चमकदार सूरज है, और उसकी वजह से यकीनन जो गर्म वेदर है वो लाहौर में इसका मौजूद है। नमी का तनासब भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है, और उसकी वजह से यकीनन एक कंफर्ट नहीं है जो कि एक हफ्ता तक लोगों को बारिशों की वजह से सुकून मिला, वो अब आज नहीं है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि ये 3 रोज़ के लिए सिर्फ ऐसी सिचुएशन है, 3 रोज़ के बाद दोबारा एक नया स्पेल आ रहा है जो कि इतवार की शाम को लाहौर और दीगर इलाकों में अपने एक्टिविटी शुरू कर देगा, और मंडे को यकीनन बारिश होगी। मंडे से लेके आगे 3-4 रोज तक मुसलसल बारिशें हैं, हल्की भी होगी, तेज़ भी होगी, लेकिन इसके साथ जो मौजूदा जो स्पेल गुजरा है उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स यकीनन बेहतर हुआ, काफ़ी दिन तक बेहतर रहा, लेकिन आज दोबारा जो है वो 3रे नंबर पे लाहौर आ चुका है। लेकिन स्टिल लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर है, और उसके फ़ायदे तो यकीन है जो बारिशें हुई हैं, आइंदा भी अगर बारिशें मजीद होती हैं तो उससे जो हमारा माहौल लाहौर का है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बेहतर होगा। जी जी ठीक है, लुकमान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं समन गुल। समन, आप बताइएगा कराची और लाहौर का मौसम तो गर्म है, तो इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर इक़्तदार के मौसम की बात कर ली जाए तो सेम सिचुएशन है कराची और लाहौर जैसी। यहाँ पर भी आज जो रात के मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि शाम या रात में आंधी चक्कर चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अभी भी सूरज जो है वो अपने पूरे आबोताब पर है। आज हब्स की शिद्दत को भी ज़्यादा महसूस किया जा रहा है और गर्मी की शिद्दत को भी ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। पिछले 2 रोज़ से बारिश हुई थी तो दर्जा हरारत में काफ़ी कमी हुई थी, लेकिन आज जैसे ही सूरज निकला है तो फिर से गर्मी की तपिश को ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। आज जो शहर का दर्जा हरारत है कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, और हवा में जो नमी का तनासब है 75% रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का जो सिलसिला है, ये जो स्पेल है 24 अगस्त तक रहेगा, और बारिश वक्फे से बारिश होती रहेगी, लेकिन आज जो है शहर इक़्तदार का मौसम औकात में गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि शाम के औकात में आंधी चक्कर चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अगर बारिश होती है तो फिर हम देखेंगे कि शायद मौसम में कोई तब्दीली आ जाए और जो दर्जा हरारत बढ़ा है इसमें दोबारा से कमी हो जाए। जी ठीक है, इस्लामाबाद का मौसम गर्म है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज शाम में बारिश की पेशगोई की जा रही है। समन गुल हमारे साथ रहेगा, रुख करेंगे पिशावर का, काशिफ अजीज से जानेंगे। काशिफ, कहिएगा कैसा मौसम है पिशावर का? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर की तरह पिशावर का मौसम भी आज जो है वो साफ है, धूप निकली हुई है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। 2 दिन पहले
پہلے پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ جو تھا اس کی وجہ سے موسم کافی زیادہ خوشگوار ہوا تھا، لیکن آج ایک بار پھر دھوپ نکلی ہے اور موسم جو ہے وہ گرم ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح نازش نے کہا تو یہ ہفتہ پشاور میں بھی خشک رہے گا اور پشاور میں بھی مطلع جو ہے وہ صاف ہوگا۔ اگر ہم پشاور کی درجہ حرارت کی بات کر لیں تو آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اس کے ساتھ گزشتہ دنوں کے مقابلے میں آج درجہ حرارت بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 82% تک جائے گا، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ اور اس کے ساتھ پشاور سمیت اگر ہم دیگر میدانی علاقوں کی بات کر لیں تو نوشہرہ، چارسدہ، سوابی اور اس کے ساتھ دیگر جو قریبی اضلاع ہیں وہاں پر بھی موسم آج گرم اور خشک رہے گا۔ اس کے ساتھ اگر ہم خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع کی بات کر لیں تو وہاں پر ملکنڈ ریجن اور ہزارہ ریجن کے کچھ اضلاع میں جو ہے مطلع جو ہے وہ جزوی ابر آلود رہے گا، جبکہ کہیں کہیں پر بارش کا بھی امکان ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم وزیرستان کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران بارش ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ قریبی جو اضلاع ہے وہاں پر بھی بارش ہوئی ہے۔ تاہم ابھی زیادہ تر اضلاع میں خیبر پختونخوا کے موسم خشک ہے، خصوصاً اگر ہم میدانی علاقوں کی بات شہروں کا موسم جو ہے آج گرم رہے گا۔ کراچی میں ایک ہفتے کے بعد ایک نئے سپیل آنے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور اگر لاہور کی بات کریں تو 4 دن کے بعد ہو سکتا ہے اتوار کو بارش کا سلسلہ شروع ہو۔ اسی طرح اگر بات کریں اسلام آباد کی تو آج موسم گرم ہے، مگر پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ شام سے بارش کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور 4 دن تک ہو سکتا ہے بارشیں جاری رہیں۔ ہمارے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کیا سمن گل نے، پشاور سے کاشف عزیز، لاہور سے محمد لقمان نے، اور کراچی سے نازش ایاز۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔